So, see, today is your first session, first counseling session of HRM. So, today we are going to study the introduction of HRM and the nature and scope of HRM. ऑलरेडी आपने देखा होगा कि कल आपको जो यूट्यूब की लिंक्स हैं वहाँ वो अपलोड करा दी गई हैं, तो यू कैन सी द लिंक्स फ्रॉम देयर। वहाँ से आप लिंक से गूगल यूट्यूब पे जाके वो लेक्चर्स को देख सकते हो। आफ्टर दिस वीडियो ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेट्स हाँ स्टार्ट द सेशन। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? यस मैम यस मैम। ओके, नाउ सी, फर्स्टली टुडे इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम, नेचर ऑफ एचआरएम, देन स्कोप ऑफ एचआरएम, आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। नाउ फर्स्टली सी दिस एचआरएम। एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सी, देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग को सबको पता होगा कि देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो विच आर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इट इज सेइंग दैट हमारे पास फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें से फर्स्ट है आपका लैंड, सेकेंड इज लेबर, देन कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप। सो इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आपका लेबर। लेबर, सो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ द विल पावर एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय आर प्रॉपरली अप्लाइड, वंडरफुल थिंग्स कैन हैपन। इट इज सेइंग दैट अगर आप जो आपके लेबर है, ह्यूमन रिसोर्स है, अगर आप उनके स्किल्स को और उनका जो विल पावर है, अगर आप उसे सही से यूटिलाइज करोगे, सो यू कैन अचीव वंडरफुल थिंग्स। आप अपने कंपटीटर्स को भी यह कर सकते हो, यू कैन बी अहेड ऑफ योर कंपटीटर्स। आप अपने कंपटीटर्स के अहेड हो सकते हो, यू कैन गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू देम। सो बेसिकली इट इज सेइंग दैट ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को सही से यूटिलाइज किया, सो आप बहुत ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल। सो ह्यूमन रिसोर्सेस कैन हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सही से अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करोगे, तो जो एक लॉस मेकिंग फर्म है, दैट फर्म कैन ऑल्सो टर्न इंटू अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो भी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में टर्न हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को सही से यूटिलाइज करके, उनकी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज करके। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ द सेकेंड थिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर सो दैट द गोल्स ऑफ ईच आर मेट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, यानी कि द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके आते हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है आप उसे अचीव कर सको। द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लॉयज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है। सो आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वन इज द मैनेजमेंट पार्ट और दूसरे होते हैं उसके एम्प्लॉयज। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, इट ब्रिंग्स टुगेदर वो दोनों को, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है और जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को साथ में लेके आता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर ले। बिकॉज वंस द बट ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज अचीव, अगर एक बार आप अपना क्या ये मैम, अरे हाँ जूते लेने देख गई थी मैं, वहां खाना तुरंत तो विनीता, अनम्यूट योर सेल्फ। विनीता, आप अपना माइक ऑफ कर दो। नाउ सी, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाउ सी, अब हम इन तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली देखते हैं कि तीनों इंडिविजुअल टर्म्स का क्या मीनिंग है। फर्स्ट इज ह्यूमन। सो ह्यूमन मींस द स्किल्ड वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन होते हैं हमारे जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। रिसोर्स
It refers to something that one uses to achieve an objective of the organization. Resource यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसे आप यूज करते हो ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सको. जैसे हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, आप फैक्ट्री में अगर कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है. देन आफ्टर दैट पर्सनल इज रिक्वायर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ विच इज लिमिटेड एंड स्केयर. सो बेसिकली जो हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा पहले भी इकोनॉमिक्स में, जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड एंड स्केयर. द थर्ड टर्म दैट इज मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट बेसिकली इट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज को. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कॉम्बिनेशन है तीन टर्म्स का, ह्यूमन का, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. और इंडिविजुअली हर एक टर्म का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है. सो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ सी द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द फर्स्ट थिंग इट इज सेइंग दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इनहेरेंट इन मैनेजिंग. इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द जॉब ऑफ अ मैनेजर. एवरी मैनेजर इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल फंक्शन सच एज ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, अप्रेजल एंड गाइडेंस. इफ अ मैनेजर इज वीक इन डीलिंग विद पीपल, ही कैन नॉट अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज सेइंग दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का, यानी कि वो एक मैनेजमेंट का ऐसा पार्ट है, इंटरनल पार्ट, जिसे हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना है. सो एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एचआरएम. वो उसे एचआरएम के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. एचआरएम के जो फंक्शंस होते हैं उसमें ही हैज टू वर्क ऑन द ट्रेनिंग. वो ट्रेनिंग करेगा ह्यूमन रिसोर्स को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा. देन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर, अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल. जो एचआर मैनेजर होते हैं दे विल डू द परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं आप उनका क्या करते हो, आफ्टर सम टाइम एक प्रॉपर टेन्योर के बाद आप उनका अप्रेजल करते हो कि इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है. अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है आप उन्हें अप्रेज करोगे, अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है अच्छी तो आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हो, या फिर आप उन्हें बताओगे, यू विल कम्युनिकेट देम दैट योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क. यू विल प्रोवाइड देम गाइडेंस, आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करोगे. सो इट इज सेइंग दैट इफ अ मैनेजर इज वीक इन डीलिंग विद पीपल, एक जो एचआर मैनेजर है उसे इतने सारे फंक्शंस करने हैं, उसको एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है, अगर उसके अंदर पीपल स्किल नहीं है सो ही कैन नॉट अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डील विद पीपल. वो लोगों से डील नहीं कर पा रहे. अगर आप लोगों से डील नहीं कर पा रहे हो आप कैसे अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करोगे? हाउ यू विल प्रोवाइड देम ट्रेनिंग? आप कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे अगर आपके अंदर पीपल स्किल्स नहीं है? सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट एचआरएम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. द सेकेंड वन इट इज सेइंग परवेसिव फंक्शन. सो आई थिंक एवरीबडी माइट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ परवेसिव. सबको पता होगा परवेसिव का मीनिंग? नो नो. सो परवेसिव मीन्स एवरीवेयर. सो इट इज सेइंग दैट जो आपका एचआरएम है, एचआरएम का जो फंक्शन है दैट इज परवेसिव, यानी कि वो एवरीवेयर, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल हो, चाहे वो आपका लोअर लेवल हो, एवरीवेयर दिस फंक्शन ऑफ एचआरएम इज परफॉर्म. हर जगह पे एचआरएम का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. सो डेवलपमेंट ऑफ एचआरएम कवर्स ऑल लेवल्स एंड ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल स्टाफ. नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन एनी लेवल्स और कैटेगरीज. ऑल दोज हु आर मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म एचआरएम. सो इट इज सेइंग दैट एचआरएम का जो फंक्शन है वो आप सारे लेवल्स पे परफॉर्म करोगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड ऑल द कैटेगरीज. सारे के सारे कैटेगरीज पे ये मैनेजमेंट का फंक्शन, एचआरएम का फंक्शन अप्लाई होगा. एंड द मैनेजर्स, चाहे वो कोई से भी मैनेजर हो, चाहे वो आपके ऑल दोज हु आर मैनेजर्स, वेरियस डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर्स हैं, सारे के सारे मैनेजर्स आपका एचआरएम के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. सो जो टर्म है परवेसिव, परवेसिव का मीनिंग होता है एवरीवेयर. सो द फंक्शन ऑफ एचआरएम इज परवेसिव, यानी कि इट कैन बी सीन एवरीवेयर.
Now the third one, it is saying people oriented. So it is concerned with all kind of personnel from top to bottom of the organization. So जो आपका एच आर एम का फंक्शन है इट इज पीपल ओरिएंटेड. बेसिकली जब आप एच आर एम का फंक्शन परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे जो आपका मेन फोकस रहता है, मेन टारगेट रहता है, दैट इज ऑन द पीपल. सो पीपल पे आपका फोकस रहेगा, यानी कि जो इम्प्लॉयज, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वेदर वो चाहे टॉप लेवल के हो, चाहे वो मिडिल लेवल के हो, चाहे वो लोअर लेवल के हो. सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो फोकस होता है दैट इज ऑन द पीपल. आप अपनी मशीन्स पे, टूल्स पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे, इन सब पे फोकस नहीं करते हो. आपका जो फोकस होता है दैट इज ऑन द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर? ओके मैम, यस मैम. Now the fourth one, that is personal functions. It involves various functions concerned with managing people from manpower planning, recruitment, selection, placement, training, appraisal to compensation of employees. So it is saying HRM में क्या आते हैं आपके पर्सनल फंक्शन आते हैं. उन फंक्शन में जो जिन चीजों पे हम काम कर रहे हैं दैट इज सबसे पहले आपका फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग. जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक HR मैनेजर होगा ही विल वर्क फर्स्टली सी द मैन पावर प्लानिंग. वो देखेगा कि हमें अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हाउ मेनी इंप्लॉयज आर रिक्वायर्ड. तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लानिंग करेगा. सपोज एक पर्टिकुलर टास्क उसने देखा कि इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए 100 इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, वेयर एज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हमारे पास 80 इम्प्लॉयज है. सो यू कैन सी दैट 20 इम्प्लॉयज का क्या अभी शॉर्टेज है. सो जो HR मैनेजर होगा ही विल रिक्रूट, वो लोगों को रिक्रूट करेगा. आफ्टर रिक्रूटमेंट ही विल सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट. सो रिक्रूटमेंट मतलब होता है आप लोगों को क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब वैकेंसी है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. रिक्रूटमेंट जब बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर लेंगे, आफ्टर दैट यू विल कंडक्ट अ इंटरव्यू. आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, या फिर जो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस है आप उसे फॉलो करोगे, और वो जो आप जिन लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करा था उसमें से आप एक राइट पर्सन को फाइंड करोगे, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब. आफ्टर दैट आपने अगर एक प्रॉपर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप उसे प्लेसमेंट करोगे, यानी कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, उसका ओरिएंटेशन करवाना. आफ्टर दैट ट्रेनिंग, अगर आपको लगता है कि इम्प्लॉय को कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवानी है सो यू विल प्रोवाइड हिम ट्रेनिंग. आफ्टर दैट एम्प्लॉय अपना काम वगैरह करेगा, देन आपको आप इम्प्लॉयज की क्या करते हो, परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो कि इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी थी, एंड देन कंपनसेशन, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे उन्हें कंपनसेट करना. सो इट इज सेइंग दैट एचआरएम में जो भी फंक्शन होते हैं वो है आपके पर्सनल फंक्शन, जो स्टार्ट होते हैं मैन पावर प्लानिंग से एंड इट विल एंड टू द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. The fifth one is continuous process. So human resource management is a continuous process in the sense that it is in operation from the day an entity comes into existence till the day it winds up. It basically takes into account. So basically it is saying that जो HRM की process है वो continuous process है. जब से एक organization start होता है तब से लेके जब तक organization wind up होगा तब तक आपकी HRM की process continuously चलते रहती है. HRM का function ऐसा नहीं है कि एक दिन आप बैठोगे और आप कहोगे चलो आज मुझे HRM के functions को perform करना है तो मैं बैठ के सारे ट्रांजेक्शन, जैसे अकाउंट्स है हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको कंटिन्यूसली एचआरएम के फंक्शंस को परफॉर्म करना है. इज इट क्लियर? यस मैम. नाउ द यस मैम. सिक्स्थ वन, that is comprehensive function. So managing human resource can never be an exclusive process as it involves all people at work. No individual, irrespective of his designation, salary, nature of work is excluded from the periphery of human resource management. So it is saying that human resource management ka jo function hai that is comprehensive, yani ki wo sari cheezon ko kya karta hai, saath mein leke chalta hai.
बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि जो एचआरएम है, एवरीबॉडी, सारे के सारे इंडिविजुअल्स, सारे के सारे एम्प्लॉयज को आप इसमें कवर करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेजिग्नेशन. क्या उनकी डेजिग्नेशन है, वो टॉप लेवल के हैं, वो लोअर लेवल के हैं, या फिर वो मिडिल लेवल के हैं, डेजिग्नेशन डजेंट मैटर. आप उनकी सैलरी को भी कंसिडर नहीं करते हो कि जो जिनकी सैलरी है हाई सैलरी वालों के लिए एचआरएम के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लो सैलरी वालों के लिए एचआरएम के फंक्शंस नहीं परफॉर्म किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. यू विल नॉट सी देयर सैलरी, किस तरीके का वो काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम साइड में रख के वी विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एचआरएम फॉर एवरीबडी. हम सभी लोगों के लिए, जो भी सारे इंप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबके लिए एचआरएम की जो प्रोसेस है, फंक्शंस हैं, उन्हें परफॉर्म करते हैं. दैट्स व्हाई एचआरएम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, बिकॉज इट कवर्स एवरीबॉडी, ये सब लोगों को कवर करके चलता है. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज स्कोप ऑफ एचआरएम. सो जो स्कोप है एचआरएम का, स्कोप ऑफ एचआरएम इज स्टडीड फ्रॉम थ्री पर्सपेक्टिव, इसे हम तीन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन, दैट इज पर्सनल एस्पेक्ट. सो फ्रॉम पर्सनल एस्पेक्ट, द स्कोप ऑफ एचआरएम, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ एंड रेमुनरेशन, इंसेंटिव एक्सेट्रा. सो फ्रॉम पर्सनल एस्पेक्ट, जो आपका एचआरएम का स्कोप है, दैट इज सबसे पहले इट इज सेइंग डिमांड एंड सप्लाई, कितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज की डिमांड है और कितनी उनकी सप्लाई है, यानी कि कितने इंप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में अभी प्रेजेंट है. देन मैन पावर प्लानिंग, अगर सपोज डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, 100 इंप्लॉयज रिक्वायर्ड है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 80 इंप्लॉयज है, इट मीन्स 20 इंप्लॉयज का क्या है, शॉर्टेज है. तो आप मैन पावर प्लानिंग करोगे. आफ्टर मैन पावर प्लानिंग, यस Am I audible? मैम, Okay. So there was some connection problem. नो इशू। आप अपने माइक्स को ऑफ ऑफ कर लो. म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. मैम आवाज नहीं आ रही फिर। ओके, एम हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई नॉट ऑडिबल? ऑडिबल मैम। सो नाउ सी, फ्रॉम वेलफेयर एस्पेक्ट, सो वेलफेयर एस्पेक्ट से जो ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप है, दैट इज वर्किंग कंडीशंस एंड एमिनिटीज सच एज मेडिकल असिस्टेंस. सो सबसे पहले इट इज सेइंग दैट जो एचआर मैनेजर है या फिर जो एचआरएम का फंक्शन है, दैट इज अपने एम्प्लॉयज को
लुकिंग आफ्टर द वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जिस कंडीशंस में, जिस एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको देखना. आफ्टर दैट मेडिकल असिस्टेंस, अगर इफ दे रिक्वायर्ड एनी, उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करवानी है तो मेडिकल, जैसे इंश्योरेंस होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रोवाइडिंग दैम मेडिकल इंश्योरेंस, देन प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है जो अपनी हायर एजुकेशन को के लिए जाना चाहता है तो उसे हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, देन कैंटीन की फैसिलिटीज अवेल करवाना, क्रेचेस, रेस्ट एंड लंच रूम्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा. तो बेसिकली वेलफेयर एस्पेक्ट से जो एचआरएम का स्कोप है, दैट इज कि आप अपने एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशंस पे और उनकी जो मेडिकल और वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज आप उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हो, आप वो सारी चीजों एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हो. नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, सो फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट द स्कोप ऑफ एचआरएम इज ग्रीवियंस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स एक्सेट्रा. सो ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर, एम्प्लॉयज साथ में काम करते हैं, सो देयर मे हैपन कि आपस में लोगों के बीच में क्या हो, ग्रीवियंसेस हो, यानी कि मतभेद होना. सो वर्किंग ऑन द ग्रीवियंसेस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो एचआर मैनेजर विल सेटल अप दोज डिस्प्यूट्स, वो उन डिस्प्यूट्स को सेटल अप करेगा. देन यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सो ऑल दीज आर द ऑल दीज कम अंडर द स्कोप ऑफ एचआरएम. इज इट क्लियर? जैसे मैं आप ना पागल नाउ सी इम्पॉर्टेंस ऑफ एचआरएम. द फर्स्ट वन, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स टीम. द एचआर मैनेजर्स कम अप विद प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल. दे डिजाइन द क्राइटेरिया विच इज बेस्ट सूटेड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन. देयर अदर टास्क रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स फॉर्मुलेटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय एंड द स्कोप ऑफ टास्क असाइन टू हिम और हर. सो बेसिकली एम्प्लॉय जो एचआरएम की इम्पोर्टेंस है, दैट इज सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग. सो एक एचआर टीम की जो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक एचआर मैनेजर की और उसकी टीम की, कि आप अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके लेके आओ, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को हायर करो ऑर्गेनाइजेशन में, जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो राइट पर्सन है आप उसे हायर करो. आफ्टर हायरिंग दैट पर्सन, आप उसे उसका टास्क असाइन करो. यू विल हैव टू टेल हिम दैट व्हाट इज हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या उसकी ड्यूटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या उसकी ऑब्लिगेशंस हैं. सो ये सारी चीजें एक एचआर मैनेजर को करनी होती है. सो एचआर मैनेजर की इंपॉर्टेंस इसलिए बिकॉज एचआर मैनेजर हेल्प करता है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज की. देन द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. सो एचआरएम एनकरेजेस द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एंड गिव्स देम सजेशंस दैट कैन हेल्प देम टू ब्रिंग आउट इम्प्रूवमेंट इन इट. द टीम कम्युनिकेट्स विद द स्टाफ इंडिविजुअली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो डिफाइंस देयर रिस्पेक्टिव रोल्स. सो इट इज सेइंग दैट एचआरएम इज इम्पॉर्टेंट. एचआरएम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो एचआरएम है, इट यानी कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, इट एनकरेजेस वो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो उन्हें एनकरेज करता है, उन्हें मोटिवेट करता है ताकि वो अपना जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसे बाहर लाएं और अपने जो रोल्स और जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करे. उनका टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस अप्रेज करता है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि जो एम्प्लॉई है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या फिर एम्प्लॉयज अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहे. सो इस तरीके से इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को देखना, और आफ्टर
इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद अपनी टीम को या फिर जो भी स्टाफ है उसे कम्युनिकेट करना जो भी उसकी परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, जब आप स्कूल में होगे या फिर आप कॉलेजेस में होते हो तो आप क्या करते हो, यू विल गिव एग्जाम्स, आप एग्जाम्स देते हो, देन आफ्टर दैट एग्जाम यू गेट अ रिपोर्ट कार्ड, आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी जब एम्प्लॉयज अपना टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, आफ्टर दैट उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे इवेल्युएट किया जाता है और उन्हें भी एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि उन्हें भी बताया जाता है, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो ये सारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है आपका एचआर मैनेजर। सो दैट्स व्हाई एचआरएम हमारा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर एचआरएम नहीं होगा सो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेस कौन करेगा। नाउ द थर्ड वन, दैट इज मेंटेनिंग वर्क एटमोसफेयर। दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एचआरएम, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली ड्राइवन बाय द वर्क एटमोसफेयर और वर्क कल्चर दैट प्रिवेल्स एट द वर्क प्लेस। अ गुड वर्किंग कंडीशन इज वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट द एम्प्लॉय कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एफिशियंट ह्यूमन रिसोर्स टीम। सो इट इज सेइंग दैट एक जो आपका एचआर है, एचआरएम का जो एक इम्पोर्टेंस है दैट इज मेंटेनिंग वर्क एटमोसफेयर, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एटमोसफेयर को मेंटेन करके रखना, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है उसे मेंटेन करना, वर्क प्लेस में जो एटमोसफेयर है ताकि एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज को मिल सके। बिकॉज अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसे अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा सो ही विल नॉट गिव अस 100%, वो अपना 100% नहीं देगा, बिकॉज उसका जो माइंड रहेगा दैट विल बी डाइवर्टेड, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क कल्चर नहीं है, एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी विद द वर्क कल्चर। वो वर्क कल्चर से अगर हैप्पी नहीं है तो उसका जो भी फोकस है वो अपने काम पे नहीं होगा, बल्कि जो डिस्प्यूट्स है, पॉलिटिक्स चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब पे फोकस रहेगा। तो अगर उन सब पे फोकस रहेगा, एम्प्लॉय 100% नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन विल गेट अफेक्टेड फ्रॉम इट। सो दैट्स वाई एचआरएम और एचआरएम की जो टीम होती है, दैट टीम मेक श्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक अच्छा हेल्दी हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज हैप्पीली अपना वर्क कर सके। नाउ द फोर्थ वन, दैट इज मैनेजिंग डिस्प्यूट्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर सेवरल इशूज ऑन विच डिस्प्यूट्स मे अराइज बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। इन सच अ सिनेरियो इट इज द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विच एक्ट्स एज अ कंसल्टेंट एंड मीडिएटर टू सॉर्ट आउट दोज इशूज इन एन इफेक्टिव मैनर। They first hear the grievances of the employees, then they come up with suitable solutions to sort them out. ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर है एंड द एम्प्लॉयज, दोज हु आर वर्किंग देयर, और जो आपका एम्प्लॉयर जिसने एम्प्लॉयज को काम पे रखा हुआ है, सो देयर आर मेनी अ टाइम्स इट हैपेंड कि दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। सो इन सच अ सिचुएशन जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो टीम है, दे विल कंसल्ट, वो एम्प्लॉयज को कंसल्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड दे विल फाइंड आउट कि एम्प्लॉयज को क्या क्या ग्रीवियंसेस है। वो एम्प्लॉयज की ग्रीवियंसेस को सुनते हैं, आफ्टर दैट वो ग्रीवियंसेस को लेके जाते हैं एम्प्लॉयर के पास, और आपस में जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ग्रीवियंसेस हैं उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। सो दैट्स व्हाई एचआरएम इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज एचआरएम द एचआर मैनेजर अलोंग विथ हिज टीम मैनेजेस द डिस्प्यूट्स व्हिच अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? यस मैम नाउ द लास्ट वन, दैट इज डेवलपिंग पब्लिक रिलेशंस। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग गुड पब्लिक रिलेशन लाइज विद द एचआरएम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दे ऑर्गेनाइज बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स एंड वेरियस ऑफिशियल गैदरिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू बिल्ड अप रिलेशनशिप्स विद अदर बिजनेस सेक्टर्स। सो इट इज सेइंग दैट डेवलपिंग गुड पब्लिक रिलेशन, जो एचआर और एचआर टीम है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अच्छे पब्लिक रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अच्छे पब्लिक रिलेशन
को मेंटेन करने के लिए दे विल ऑर्गेनाइज बिजनेस मीटिंग्स, वो बिजनेस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑफिशियल गैदरिंग्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो कंपनी के बिहाफ पे दे विल डू ऑल दीज थिंग्स, ताकि क्या वो कंपनी की गुड पब्लिक रिलेशनशिप हो बाहर के लोगों के साथ विद अदर बिजनेस सेक्टर्स ऑल्सो. बिकॉज यू नो दैट अच्छे पब्लिक रिलेशनशिप होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू डील विद दैम, आपका उनके साथ काम पड़ने वाला है, तो यू शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द अदर बिजनेस सेक्टर्स. और अच्छे बिजनेस अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ द HR एंड हिज टीम. इज इट क्लियर? यस मैम, सो आई थिंक यू आर, आई थिंक आपको सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंस है HRM की, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू. यस नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज टू प्रोक्योर राइट टाइप ऑफ पर्सन एट राइट टाइम एंड एट राइट जॉब. यानी कि अगर एक कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप एक राइट पर्सन को अपॉइंट कर सको एट द राइट टाइम, यानी कि जिस टाइम पे उस पर्सन की नीड है. सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इन ए स्कूल, अगर किसी स्कूल में अगर किसी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, सो उस पर्टिकुलर जॉब पोजिशन को कौन अच्छे से फिल कर पाएगा? अ पर्सन हु हैज, जिसका वो क्या वो बैकग्राउंड हो, जो पर्सन मैथमेटिक्स को बिलोंग करता है. अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए किसी इंग्लिश की फैकल्टी को अपॉइंट कर दूंगी, सो एम आई डूइंग द राइट थिंग? क्या मैं सही कर रही हूँ? किसी इंग्लिश की फैकल्टी को मैं अपॉइंट कर रही हूँ मैथमेटिक्स के लिए? नो, इट इज नॉट राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट HRM का जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको पर्सन चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एक राइट पर्सन को अपॉइंट करना है. लाइक मैथमेटिक्स ट्यूटर की अगर रिक्वायरमेंट है, तो पर्सन हु इज फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, मुझे उसे ही अपॉइंट करना चाहिए एंड एट द राइट टाइम, ताकि आप उसे सही टाइम पे अपॉइंट कर सको. बच्चों के एग्जाम्स हो गए, आफ्टर दैट यू आर अपॉइंटिंग हिम, सो इज देयर एनी बेनिफिट? एग्जाम टाइम पे ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब एग्जाम्स हो गए उसके बाद ट्यूटर अवेलेबल है, सो क्या उसका कोई बेनिफिट होगा? नो सो द सेकेंड वन इट इज सेइंग दैट टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन जो है आपकी HRM है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सको. लाइक जो भी आपको लगता है कि इम्प्लॉयज का इतना पोटेंशियल है, इम्प्लॉयज इतना वर्क कर सकते हैं, तो आप अपने इम्प्लॉयज से उतना वर्क निकलवाओ. देन टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सिर्फ आपको अपने इम्प्लॉयज से काम नहीं करवाना है, यू हैव टू वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट ऑल्सो. आपको अपने इम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है. लाइक अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जो आपके इम्प्लॉयज को आनी चाहिए, सो यू विल हैव टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग. आप उनके सेमिनार्स कराओ, वर्कशॉप्स करवाओ, और उनको वो नई स्किल्स आपको सिखवानी है. ह्यूमन आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए. टू प्रोवाइड देम राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. सो अगेन इट इज सेइंग दैट ताकि इम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, आपको उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इम्प्लॉयज विल इंक्रीज, अगर इम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट करेगा, बिकॉज द प्रोडक्शन विल इंक्रीज. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा. टू इंश्योर देयर वेलफेयर नीड्स, तो आपको अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए भी काम करना है. यू विल हैव टू लुक आफ्टर प्रोवाइडिंग देम वेरियस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, आपको उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स भी प्रोवाइड करवानी है. लाइक आप उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराओ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कराओ. अगर आपके एम्प्लॉयज इफ दे आर नॉट वेल, अगर वो दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट हेल्दी, एम्प्लॉयज बहुत फ्रीक्वेंटली लीव पे जा रहे हैं,
दे आर सिक, वो बीमार पड़ रहे हैं और वो लीव्स पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सफर करेगा दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर इम्प्लॉयज लीव पे है तो आपका वर्क क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को ही सफर करना पड़ेगा. सो अगर इम्प्लॉयज विल बी हैप्पी, इम्प्लॉयज विल बी सेफ, दे विल बी हेल्दी, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन विल ओनली ग्रो. नाउ द नेक्स्ट वन इज टू सेटिस्फाई देम बाय प्रोवाइडिंग मोनिटरी एंड नॉन मोनिटरी बेनिफिट्स. तो एचआरएम का ऑब्जेक्टिव है, देखो अगर इफ एम्प्लॉय इज वर्किंग वेल, आप उसे मोनिटरी बेनिफिट तो प्रोवाइड करोगे, बट देर आर सम एम्प्लॉयज जिन्हें नॉन मोनिटरी बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जिन्हें रिकग्निशन चाहिए, लाइक दे वॉन्ट प्रमोशंस. उन्हें के अपनी उनके डेजिग्नेशन भी मैटर करती है. आप सिर्फ उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करवा दे रहे हो, बट आप उन्हें कुछ उनकी डेजिग्नेशन में इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंप्लॉय क्या हो सकता है, डीमोटिवेट हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए डेजिग्नेशन, स्टेटस, ये सब चीजें मैटर करती हैं. सो यू विल हैव टू प्रोवाइड देम नॉन मोनिटरी बेनिफिट्स ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि कोई इंप्लॉय डिजर्व करता है प्रमोशन, आपको उसकी डेजिग्नेशन इंक्रीज करनी चाहिए, तो यू जस्ट गो फॉर इट, तो बिकॉज वो आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा. देन द नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन हाई मोरल अमंग द एम्प्लॉयज. आपको एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है, यू हैव टू मोटिवेट देम. आप उन्हें मोटिवेट करो, कुछ मोटिवेशनल सेशंस वहां पे करवाओ, कुछ सेमिनार्स करवाओ, या फिर आप क्या करवा सकते हो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, यू कैन प्रोवाइड देम इंसेंटिव. आप उन्हें अगर इफ दे आर परफॉर्मिंग गुड, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बदले में आप उन्हें रिवॉर्ड दो, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, और एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट देंगे. एंड द लास्ट वन इज टू इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. तो अगेन आपको अपने एम्प्लॉयज को सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करवाना है, एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है. इज इट क्लियर? यस मैम। सी आई एम शेयरिंग वन लिंक, आपकी जो अटेंडेंस का जो शीट है, गूगल शीट, वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ. सो यू जस्ट फिल योर अटेंडेंस, आप अपनी अटेंडेंस फिल कर लो. ओके मैम। ओके मैम। तो आप शेयर दैट, दिस मच इज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज फंक्शंस ऑफ एचआरएम. एचआरएम के फंक्शंस, सो द फंक्शंस ऑफ एचआरएम आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. हमने एचआरएम के फंक्शंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. एक है आपका मैनेजीरियल फंक्शंस और दूसरा है आपका ऑपरेटिव फंक्शंस. सो मैनेजीरियल फंक्शंस में द फर्स्ट वन दैट इज प्लानिंग. सो प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शंस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अचीविंग देम. सो बेसिकली आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू माइट हैव स्टडीड प्लानिंग अर्लियर. पहले पढ़ा है आप लोगों ने प्लानिंग? यस मैम। सो एवरीबडी नोज ना व्हाट इज प्लानिंग. सो प्लानिंग क्या होता है, आप प्लानिंग में क्या करते हो, फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हो फ्यूचर के लिए, कि आपको ये, अगर ये आपका टारगेट है, अपने इस टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हो. सो यू विल मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको वो एग्जाम क्रैक करना है, तो उस एग्जाम को कैसे आपको क्रैक करना है, सो उसके लिए भी आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हो कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को मुझे कवर करना है. आफ्टर कवरिंग द सैलेबस, सैलेबस कवर करने के बाद मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, देन आई हैव टू डू माय रिवीजन, रिवीजन करना है. सो ये प्रॉपर क्या है, आपकी प्लानिंग है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, प्लानिंग होता है. ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में मुझे अपना प्रॉफिट या फिर अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है 10% से. तो उस सेल को मैं कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ, उसके लिए मैं एक प्रॉपर क्या करूंगी, प्लानिंग करूंगी. सो बेसिकली प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर. हम अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, प्लान करते हैं. तो प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ एंड वेयर यू वॉन्ट टू गो. जहाँ पे आप अभी आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को फुलफिल करता है प्लानिंग.
सो प्लानिंग फोरकास्टिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस अदर फंक्शंस ऑन इट इज सेइंग दैट प्लानिंग के आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बिकॉज मैनेजमेंट के और जो भी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग ये सारे के सारे जो भी फंक्शंस हैं ये डिपेंड करते हैं प्लानिंग फंक्शन में बिकॉज अगर आपने प्लानिंग सब सही से नहीं की तो आप ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग कैसे करोगे इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सो इज इट क्लियर प्लानिंग यस ऑर्गेनाइजिंग सो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन ऑफ जॉब्स आर डिटरमाइंड दस ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व गिविंग ईच सबॉर्डिनेट अ स्पेसिफिक टास्क स्टेब्लिशिंग डिपार्टमेंट्स डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट स्टेब्लिशिंग चैनल ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड सो ऑन एक बार आपने प्लानिंग कर ली आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि ये हमारा टारगेट है और हमें अपने इस टारगेट को ऐसे से अचीव करना है दीज विल बी द स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो आफ्टर दैट यू विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग में आप कुछ नहीं करोगे जो भी आपके वेरियस रिसोर्सेज हैं वो आप उन सबको एक साथ लेके आओगे देन यू विल जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं आप अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करोगे आप उन्हें बताओगे कि उन्हें ये पर्टिकुलर वर्क करना है यू विल स्टैब्लिश डिपार्टमेंट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश करोगे आफ्टर दैट यू विल डेलीगेट द अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट्स को आपको अथॉरिटी डेलीगेट करनी है आप एक चैनल ऑफ अथॉरिटी क्रिएट करोगे कि ये आपका सुपीरियर है और ये हमारा सबॉर्डिनेट है सो ये सारी चीजें हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग में आफ्टर दैट द नेक्स्ट कम्स स्टाफिंग इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सेलेक्ट ट्रेन प्रमोट एंड रिटायर देयर सबॉर्डिनेट्स दिस इन्वॉल्व डिसाइडिंग वट टाइप ऑफ पीपल शुड बी हायर्ड रिक्रूटिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस काउंसलिंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज सो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग यू विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग जो नेक्स्ट टास्क होता है जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्टाफिंग का स्टाफिंग में मैनेजर्स को यह करना है सेलेक्ट करना है रिक्रूट करना है देन ट्रेन करना है आफ्टर दैट प्रमोटिंग एंड द रिटायरिंग ऑफ द सबॉर्डिनेट्स तो बेसिकली एचआरएम के जो भी अभी आपने फंक्शंस पढ़े थे मैन पावर प्लानिंग सेलेक्शन रिक्रूटमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल कंपनसेशन सो ये सारे के सारे फंक्शन आते हैं आपके स्टाफिंग में सो एचआर जो मैनेजर है उसको स्टाफिंग में ये वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा द नेक्स्ट वन दैट इज डायरेक्टिंग और लीडिंग सो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल इट इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक गेटिंग सबॉर्डिनेट्स टू गेट द जॉब डन मेंटेनिंग मोरल मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज सबॉर्डिनेट्स एक्सेट्रा फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो इन द डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग भी कह सकते हो आप इसे लीडिंग भी कह सकते हो तो बेसिकली लीडिंग यानी कि जो आपका एक एचआर मैनेजर है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा ही विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ लीडर ही विल एक्टिवेट ग्रुप एफर्ट्स वो जो अब वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को साथ में एज अ ग्रुप में लेके आएगा एंड देन ही विल मोटिवेट देम उन्हें वो लीड करेगा उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा सबॉर्डिनेट्स को एंड ही विल प्रोवाइड देम गाइडेंस ताकि वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उन्हें अचीव कर सके आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन दैट इज कंट्रोलिंग सो कंट्रोलिंग में बेसिकली व्हाट वी विल डू कंट्रोलिंग क्या होता है हमारा लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग में हमारी जो हमने प्लानिंग के टाइम पे अपने स्टैंडर्ड्स अपना जो टारगेट है जिसे हमने सेट किया हुआ है हम उसे कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से सो जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है यू विल कंपेयर दैट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं प्लानिंग के टाइम पे पर एक्चुअल में मे बी मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हो सकते हैं मैंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे सो कंट्रोलिंग में आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से सेट करोगे अगर आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों इक्वल है आपने 100 का टारगेट सेट किया था और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं देन वेल एंड गुड बट अगर आपका 100 यूनिट्स का टारगेट था आप सिर्फ 80 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो इट मींस 20 यूनिट्स का क्या शॉर्टेज है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आप फाइंड आउट करोगे कि ये 20 यूनिट्स आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए क्या रीजंस रहे थे एंड आफ्टर दैट आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे करेक्टिव एक्शंस लोगे इज इट क्लियर
यस यस मैम। Now the next one, that is operative functions. So the operative, also called service functions, are those which are relevant to specific department. These functions vary from department to department depending upon the nature of the department. So it is saying that जो आपके operative functions, जो इससे पहले आपने managerial functions पढ़े थे, वो तो सभी लोग को perform करने हैं, but these operative functions ये department to department vary करते हैं और डिफर करता है कि किस तरीके का डिपार्टमेंट का नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शंस को हमें परफॉर्म करना होता है. सो द फर्स्ट वन, दैट इज प्रोक्योरमेंट. इट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल इन अप्रोप्रिएट नंबर टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय. तो ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहले आप प्रोक्योरमेंट का फंक्शन करते हो. प्रोक्योरमेंट मींस कि सही लोगों को, जो एक राइट पर्सन है फॉर द राइट जॉब, आप उस पर्सन को क्या करोगे, हायर करोगे. इसमें जो एक्टिविटीज आती हैं वो है आपकी मैन पावर प्लानिंग, यानी कि डिसाइड करना, डिमांड और सप्लाई देखना एम्प्लॉयज की, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिमांड एंड सप्लाई यू विल प्लान द मैन पावर कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. After seeing that, you will perform the function of recruitment. Recruitment means inducing more and more people to apply for that particular job position. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करते हो, उन्हें इंड्यूस करते हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब पोजिशन है उसके लिए अप्लाई कर सके. वंस द पीपल विल अप्लाई, आप उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है आप उसे सेलेक्ट करते हो. यू विल प्लेस दैट कैंडिडेट, देन आप उसका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करवाओगे उस न्यू एम्प्लॉय का. देन द सेकेंड वन, दैट इज डेवलपमेंट. दिस फंक्शन इन्वॉल्व एक्टिविटीज मेंट टू इम्प्रूव द नॉलेज, यानी कि आप अपनी इम्प्लॉयज की नॉलेज को क्या करवाओगे, इम्प्रूव करवाओगे. स्किल्स, एप्टीट्यूड और वैल्यूज, ये सारी चीजों पर आप वर्क करोगे. आप को अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में न्यू न्यू टेक्निक्स आते रहती है, नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज को वो सारी सॉफ्टवेयर्स और जो भी टेक्निक्स हैं उन सब की नॉलेज प्रोवाइड करवाओगे और अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करवाओगे. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, बिकॉज इम्प्लॉयज ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. अगर इम्प्लॉयज के पास स्किल्स नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन ही सफर करेगा. सो इट्स बेटर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने इम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कराओ, उन्हें नई नई स्किल्स एक्वायर करवाओ ताकि वो अच्छे से काम करे. और इम्प्लॉयज अगर नई स्किल्स सीखेंगे तो उससे इम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी हम टाइमली अचीव कर पाएंगे. द नेक्स्ट वन, दैट इज कंपनसेशन. सो कंपनसेशन फंक्शन इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज मैचिंग विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयज टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कंपनसेशन यानी कि एम्प्लॉयज जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑन इन रिटर्न ऑफ दैट, उसके रिटर्न में आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज को कंपनसेट करते हो. तो यू हैव टू सी दैट कि एम्प्लॉयज जितना एफर्ट्स कर रहे हैं, जितना वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें फेयर वेजेस मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं. क्या ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा वर्क दिया जा रहा है बट उतना उन लोगों से आप उतना अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं कर रहे हो जितना आप उनसे वर्क ले रहे हो, तो दैट इज अनफेयर. सो इस तरीके से आपको ये सारी चीजों को देखना है कि एम्प्लॉयज को सही तरीके से कंपनसेशन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है. देन मेंटेनेंस, इट इज कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज वाइल एट वर्क. फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्पज वेरियस बेनिफिट सच एज हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशनल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज.
सो एम्प्लॉयज को वी आर सेइंग दैट एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करना, एम्प्लॉयज को डेवलप करवाना, उनको कंपनसेट करवाना, बट यू विल हैव टू मेंटेन ऑल्सो, आपको अपने एम्प्लॉयज को मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा. यानी कि जितने एम्प्लॉयज को आपने हायर करा है वो एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, बिकॉज आपने एम्प्लॉयज को हायर किया है, आप उन्हें ट्रेन करवा रहे हो, नई स्किल सिखवा रहे हो, सिखा रहे हो, बट आफ्टर दैट अगर एम्प्लॉयज ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, सो व्हाट इज द बेनिफिट, उसका क्या बेनिफिट है? आपने उस एम्प्लॉय पे इतना इन्वेस्ट करा, उसे नई स्किल सिखाई, और एम्प्लॉय ने आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही लॉस है. सो इसमें भी जो आपका एचआर मैनेजर है, ही विल मेक श्योर कि जिन एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है वो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखें. सो ये सब करने के लिए आप उन्हें हाउसिंग की फैसिलिटी देते हो, आप उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देते हो, आप एजुकेशनल फैसिलिटी दे रहे हो, आप एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करवा सकते हो अपने एम्प्लॉयज को. इवन आफ्टर दैट और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, लाइक प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी आप देते हो, पेंशन की फैसिलिटी देते हो, ताकि एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हो. तो इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एचआरएम, यानी कि एचआरएम कौन से इश्यूज और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हाँ है? एम आई नॉट ऑडिबल? इट इज ऑडिबल मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पीपीटी में ये नहीं शो हो रहा है जो आप सब ये बता रहे हो मैम। कौन सी पीपीटी में? ये अगर जैसे अभी हमारे स्क्रीन में जो आ रहा है अभी भी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही है अभी। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यस मैम, मतलब जो आपने लास्ट 2-3 PPTs का था वो वही दिखा रहा है तब से। तो आपने क्या चेंज किया था मैम कुछ? वेट अ मिनट, हाँ मैंने तो दूसरी वाली वो कर दी है. नहीं, ये पीपीटी तो मैम वही स्टक है तब से, तो दैट वाज। इज इट विजिबल नाउ? हाँ यस मैम, नाउ इट्स अवेलेबल। ग्लोबलाइजेशन, फोकस, डाइवर्सिटी। या ओके सो द फर्स्ट इशू विच इज बीइंग फेस्ड इन एचआरएम, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. सो आई थिंक यू पीपल माइट बी नोइंग वट इज ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, आप लोगों को पता होगा. सो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे जो आपका बिजनेस फर्म है वो सिर्फ अपनी कंट्री में ऑपरेट करके नहीं, वो इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ भी डील करता है. सो एक कंट्री क्या करती है, दूसरे वर्ल्ड या फिर दूसरी इकोनॉमी के साथ क्या हो रही है, डील कर रही है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. यानी कि अब बिकॉज ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द फर्म्स हैव बीन ग्लोबलाइज्ड, वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी वेरियस कंट्रीज में भी क्या कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है. सो इट इज एन इशू फॉर एन एचआरएम, बिकॉज जब आप क्या कर रहे हो, आप बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन आप एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, सो यू विल हायर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, आप दूसरी कंट्रीज से भी लोगों को हायर करते हो. सो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अगर फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने बाहर से फॉरेन की कंट्रीज से लोगों को हायर करा है, सो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, देयर लैंग्वेज इज ऑल्सो डिफरेंट, उनका लैंग्वेज डिफरेंट है, देयर कल्चर इज डिफरेंट, कल्चर इज ऑल्सो डिफरेंट. सो इट बिकम्स अ टास्क, और यू कैन से इट हैज बिकम अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एचआर मैनेजर कि वो ये सारी सही चीजों को क्या कर सके, सही से ऑपरेट कर सके, बिकॉज जब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो देर आर मोर चांसेस कि उनके बीच में क्या हो, क्लैशेज हो, उनके लॉज डिफरेंट हैं, अपनी कंट्री में उनके अलग लॉज चल रहे हैं, इंडिया में अलग लॉज है, सो दे हैव टू एडजस्ट, उनको एडजस्ट करना है, उनका एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो एचआर मैनेजर के लिए इट हैज बिकम अ टफ टास्क
टफ टास्क, और यू कैन से इट हैज बिकम अ चैलेंज फॉर एन एचआर मैनेजर, कि जो लोग डिफरेंट डिफरेंट, जब एक फर्म ग्लोबलाइज हो जा रही है तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग साथ में वर्क कर रहे हैं, आपको उन सब लोगों को साथ में लेके चलना है. यू हैव टू शेड्यूल द मीटिंग अकॉर्डिंगली. आपने देखा है कि टाइम में भी क्या हो जाता है, वेरिएशन है. इंडिया में जो टाइम चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन की कंट्रीज में भी सेम टाइमिंग है. सो यू विल हैव टू शेड्यूल द मीटिंग अकॉर्डिंगली. आपको मीटिंग को उसी तरीके से शेड्यूल करना है. यू हैव टू लुक आफ्टर द हॉलीडे मैनेजमेंट. हॉलीडे मैनेजमेंट आपको देखना है एक एचआर मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग एक्सेट्रा टू ओवरकम द चैलेंज. तो ये ग्लोबलाइजेशन के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए एम्प्लॉई, एक एचआर मैनेजर को बहुत सारी चीजों पे वर्क करना है. नाउ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, द कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स इज गेटिंग डाइवर्स एट प्रेजेंट सिचुएशन. हियर डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली क्रिएटेड बाय एज, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड रिलीजन, बट ऑल्सो बाय द नेचर, पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ वर्कर्स. विद मोर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क फोर्स, इशूज रिलेटेड टू बुलिंग, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा मे अराइज. टू कंट्रोल विच एच आर एम शुड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इट इज सेइंग दैट एक जो एच आर मैनेजर है, बिकॉज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाहर की कंट्री से भी लोग आके आपकी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, आपको उनको भी साथ में लेके चलना है. व्हेन पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बुली करने के, वो एक दूसरे को बुली करते हैं. देर आर हेरासमेंट केसेस, हेरासमेंट के केसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपस में लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जो पर्टिकुलर कंट्री, जिस कंट्री में लोग आके काम कर रहे हैं, उस कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोगों को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. सो इस तरीके के वेरियस इश्यूज आते हैं. अगर इस तरीके के वेरियस इश्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, कोई इम्प्लॉई बुलिंग फेस कर रहा है, तो ही विल नॉट बी हैप्पी टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो उस ऑर्गेनाइजेशन में खुश नहीं होगा काम करके, और कहीं ना कहीं ही वॉन्ट बी गिविंग इज 100%, वो अपना 100% नहीं देगा. तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही इसमें लॉस है. और अगर आपका एम्प्लॉई ही इज नॉट हैप्पी, तो वो अपना वर्क भी अच्छे से नहीं करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे भी अफेक्ट होगा. Then recruiting new staff, companies sometimes need to recruit new talent for various reasons such as increase in project scope operations. While recruiting, HRM faces major challenges that is selecting the best candidate and making the hired candidate with familiar with the environment and culture. So it is saying that HRM जो और challenge face करता है, that is recruiting new staff. किसी भी नए staff को recruit करना, it is not a tough task. आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी नए एम्प्लॉय को हायर करना, और उस एम्प्लॉय को जो है उस जॉब के लिए क्या वो परफेक्ट हो, एंड आफ्टर अगर आपने सही कैंडिडेट को हायर कर भी लिया है, तो उसके बाद एक नया चैलेंज आप फेस करते हो, दैट इज कि उस पर्टिकुलर न्यू कैंडिडेट को पुराने कैंडिडेट्स के साथ या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर है उसके साथ पे फैमिलियर फील करवाना. So it is saying that the fourth challenge, that is increase in the size of workforce, with the increase in the size of the organization and emergence of multinational companies, the number of people working in the organization has also increased. The management of this increased workforce is a challenge for the human resource management because of globalization. Globalization की वजह से क्या हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज हो गया है. ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज हो गया बिकॉज आप बाहर की कंट्रीज के साथ भी डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी क्या हो गई, और बड़ी हो गई है, आपका बिजनेस बड़ा हो गया है. सो इसके लिए आप क्या करते हो, आपका जो वर्क फोर्स का साइज है, यानी कि इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, वो भी इंक्रीज हो गई है. सो जो इंक्रीज वर्क फोर्स है, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज, बिकॉज आपको टाइम टू टाइम नए नए इंप्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करवाना है. सो दैट इज ऑल्सो अ टफ टास्क. सो द फिफ्थ वन, दैट इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. सो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर एच आर मैनेजर, बिकॉज आप देख रहे हो कि जो टेक्नोलॉजी है, इट कीप्स ऑन गेटिंग एडवांस, वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहती है. सो जैसे जैसे मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, यू विल हैव टू अपडेट योर दैट इम्प्लॉयज ऑल्सो. आपको अपने इम्प्लॉयज को भी वो नई टेक्नोलॉजी सिखानी होगी, बिकॉज अगर आपने अपने इम्प्लॉयज को नई टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई, वो पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. सो अगर आप
कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको वो टेक्नोलॉजी अपने एम्प्लॉयज को भी सिखानी है ताकि वो और एफिशिएंटली काम कर सके। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो एचआर मैनेजर को अपडेट रहना है कि क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं और टाइमली वो चेंजेस या फिर अपग्रेडेशन जो भी हो रखा है टेक्नोलॉजी में उसे अपने एम्प्लॉयज को भी सिखाना, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। द नेक्स्ट वन दैट इज डाउन साइजिंग। सो डाउन साइजिंग यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज लाइक फॉर एग्जाम्पल आप नए नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हो, सिमिलरली एट टाइम्स कम जहाँ पे इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन फेस करता है अगर पर्टिकुलर इकोनॉमी, सो एट दैट टाइम तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, ले ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग टास्क और बिग चैलेंज फॉर अ एचआर मैनेजर, सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। एंड द लास्ट वन दैट इज रिटेंशन। सो हायरिंग एम्प्लॉयज इज नॉट ओनली द चैलेंज दैट एचआरएम फेसेस, रिटेनिंग देम इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट चैलेंज। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज इज एसेंशियल टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। सो सिर्फ एम्प्लॉयज को, नए नए एम्प्लॉयज को हायर करना यही एक एचआर मैनेजर के लिए चैलेंज नहीं है, बट जिन एम्प्लॉयज को आपने हायर करा हुआ है उन एम्प्लॉयज को आप रिटेन करके रख सको दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। बिकॉज अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करा है, आप उन्हें नई स्किल्स सिखा रहे हो, आप उन पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उनका डेवलपमेंट कर रहे हो, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, बट दैट एम्प्लॉय इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है क्योंकि आपने एम्प्लॉय पे इतना इन्वेस्ट किया और अल्टीमेटली एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया। सो दैट इज रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द एचआर मैनेजर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो यू पीपल डू वन थिंग, यू जस्ट टर्न ऑन योर कैमराज, आप अपने कैमरा को टर्न ऑन कर लो। विनीता टर्न ऑन योर कैमरा। अमीना है भाई, अमीना ओ अमीना मम्मी रे नानी के ऊपर रे घर। हैव यू पीपल फिल्ड द अटेंडेंस, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है? हाँ मैम, So that's all for today. From ओके tomorrow we'll start the case studies. कल से हम लोग case studies करेंगे. Today मैम, ये सेकेंड क्लास थी वैसे. ओके was the first class. मैम, वो क्योंकि उसमें दिखा रहे थे एक फोर्थ को भी था. Fourth को yesterday it was the induction program. ओके मैम, ओके, बिकॉज आई गॉट द नोटिफिकेशन फॉर द ग्रुप जस्ट नाउ ओनली, लाइक टुडे ओनली, टुडे इटसेल्फ. Okay. No, yesterday it was an induction program and today is the first class. ओके मैम, तो सो ये क्लासेस डेली चलेंगे अभी. Yes, it will go daily. Today I have taught you the basics of HRM, nature scope and various functions of HRM. Now यस from मैम, tomorrow we will do the case studies of HRM.
ओके मैम। एंड मैम एक और चीज़ मैम, ये इसके असाइनमेंट के शेड्यूल भी इसका भी उसमें आएगा वेबसाइट में? यस यस एवरीथिंग यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड एवरीथिंग विल बी अपडेटेड इन दैट ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप में आप ओके ऐड है ना, तो वहां पे सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, असाइनमेंट एंड ऑल. ओके मैम। एंड मैम एक और चीज़ मैम, कि जो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स थे उनके भी ऐसे लेट नोटिफिकेशन आएगा, जैसे क्या पता उनके भी पहले से ही हो गए हो? कौन से वाले सब्जेक्ट्स? जैसे मैम अभी मैं सिर्फ करेंटली ये वाला ग्रुप मिला के 3 ग्रुप्स में एडेड हुआ अभी मैम। ओके सी, जैसे जैसे कोर्सेज आगे चलते रहेंगे, क्लासेस होते रहेंगे, आपको सारे ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा. देखो ये वाला ग्रुप ही, क्योंकि कल से आपका इंडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो कल ही से आपका ग्रुप क्रिएट करके कल आपको ऐड कर दिया था. ओके मैम, तो बाकी सब्जेक्ट्स जो होंगे वो भी ऐसे ऐड होते रहेंगे ना मैम? यस, वो आपको ऐड कर देंगे. ओके ओके मैम। इज एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट? एंड मैम एक और चीज़ था मैम, जैसे दूसरे ग्रुप में बता रहे थे कि 5th आज, मतलब आज ही एक तो वो असाइनमेंट का वो आ जाएगा, तो वो अगर आएगा होगा अभी? असाइनमेंट्स विल स्टार्ट, असाइनमेंट्स की डे जो डेट है दैट इज फ्रॉम 5 दिसंबर टू 31 जैन. 31 जैन तक आपकी डेट है, तो आपको आराम से अभी इतना आप ज्यादा टेंशन मत लो. अभी आपको वो ग्रुप में अपडेट कर देंगे असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग. ओके मैम, ओके, थैंक ठीक है, यू सो मच मैम। यू वेलकम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.